भारत की मांग को ठुकराते हुए ब्रिटिश सरकार ने 12 अगस्त को लंदन में हो रहे रेफरेंडम 2020 कैंपेन पर रोक लगाने से इनकार किया। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से भारत ने काफी नाराजगी है। दिल्ली में यूके हाई कमीशन के बाहर एमएस बिट्टा की अगुवाई में एआईएटीएफ ने रोष प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सियासी पार्टियों ने भी रेफरेंडम 2020 का पुरजोर विरोध किया। शिरोमणि अकाली दल ने तो इसे आईएसआई की साजिश बताया है। उधर इस मामले में विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। पंजाब कांग्रेस ने यूके में रेफरेंडम 2020 कैंपेन पर रोक नहीं लगने को मोदी सरकार का बड़ा फेलियर करार दिया है। यूके में खालिस्तान समर्थकों की ओर से 12 अगस्त को रेफरेंडम 2020 के तहत लंदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार को चिट्ठी लिखी और उसे देश के लिए खतरनाक बताया। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने ये कहकर भारत सरकार की मांग ठुकरा दी कि वो अपने देश में कानून के दायरे और अहिंसक प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगाएंगे। ब्रिटेन सरकार के जवाब के बाद भारतीय सिखों में काफी नाराजगी है। दिल्ली में यूके हाई कमीशन के बाहर सिखों ने प्रदर्शन किया और ब्रिटेन सरकार से एसएफजे की तरफ से हो रहे रेफरेंडम 2020 कैंपेन को रोकने की मांग की। हम हिंदुस्तान के लोग, अगर यूके में कोई ऐसा गंदा काम करने वाला हिंदुस्तान में करेगा, हम उसको करने नहीं देंगे। ये हमारी इंसानियत है। यूके गवर्नमेंट को ऐसे लोगों पे बैन लगाना चाहिए और ये जो टेररिस्ट हैं, ये हमें इंडिया को वापस सौंपने चाहिए। तो हमने मेमोरेंडम दिए हैं, हम फॉरेन मिनिस्ट्री में भी जाएंगे और ये हमारा संघर्ष है, ये चलता रहेगा। इसको हम छोड़ेंगे नहीं जितनी देर तक यूके गवर्नमेंट उन टेररिस्टों को हमारे हवाले नहीं करता। ये टोटल रेफरेंडम उनका एक ड्रामा है, एक चुटकला है, पर हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग हैं, एक ही रहेंगे, इनके पीछे आईएसआई है, ये मुखट्टे हैं, पीछे पाकिस्तान आईएसआई। उधर राजनीतिक पार्टियों ने भी यूके में हो रहे रेफरेंडम 2020 कैंपेन के खिलाफ नाराजगी दिखाई है और इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश बताया है। शिरोमणि अकाली दल की महिला विंग की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने कहा कि ऐसे आयोजन का मकसद देश को तोड़ना है और उनकी पार्टी ऐसे कार्यक्रमों का सख्त विरोध करती है। यूके में रेफरेंडम 2020 का सपोर्ट करने वाले देश के गद्दार हैं। देखो, जो 2020 रेफरेंडम है उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। वो लोग जो हैं, वो लोग बोलते हैं जो लोग देश के घातक हैं, देश विरोधी हैं, क्योंकि भारत देश साडा है। असी भारत देश तो वक्रे नहीं हो सकते। भारत देश को असी आजाद बड़िया कुर्बानिया ने कराया। इतने सारे तरह के सारे धर्मों के लोग रेंदे। कोई भी स्टेट जी है वो ये गल कह रही है कि इको वर्ग के लोगों के रह के कितने राज कर सकन, डेमोक्रेसी के नाल चल सकन। मैं इस नाल असी बिल्कुल श्रोमणी अकाली दल का यह एजेंडा नहीं। वो लोग जिन्होंने ये नारा मारिया वो आईएसआई के एजेंट ने। रेफरेंडम 2020 के लिए यूके में रैली की तैयारी की जा रही है। इधर पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत को बांटने वाले ऐसे किसी भी कार्यक्रम का पंजाब के सिख समर्थन नहीं करते और सरकार किसी भी सूरत में पंजाब को दो फाड़ नहीं होने देगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने रेफरेंडम 2020 को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही। वहीं जाखड़ ने यह भी कहा कि वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली खालिस्तानी धमकियों से डरते नहीं हैं। आज मसला देश की फॉरेन पॉलिसी का है, हमारी विदेश नीति का है। जो प्रधानमंत्री महोदय 56 इंच चौड़ी छाती की बात करते थे और हर दूसरे दिन विदेशी दौरे पर रहते हैं और वहां जाके बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे हिंदुस्तान की सरकार ऐसे आतंकवादी अंसरी जो लोग हैं उनको नकेल डलवाने में कामयाबी नहीं हो सकती, तो इसका डायरेक्ट मायने है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, हमारी विदेश नीति की ये कमजोरी है, फेलियर है सरकार की। भारत सरकार ने भी रेफरेंडम 2020 को लेकर ब्रिटेन सरकार से दो टूक कह दिया है कि विदेशी धरती पर देश विरोधी कार्यक्रम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस तरह ब्रिटेन सरकार का पूरे मामले में रुख सामने आ रहा है, उससे भारत की टेंशन जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।